गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल गैस की चूरन पर। ऑब्वियसली गाइस बहुत सारे बंदे मेरे को बोल रहे हैं कि चपाती भाई घर का टूर करो घर का टूर करो। फैंसी घर का टूर कहां से करूं, ये देख रहे हो सामान यहाँ वहां बिखरा हुआ है। और अभी मेरे को आज वाली वीडियो में ना एक कमरा है, मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, और उसको जो है पूरा डेकोरेट करना है। और ये रहा वो कमरा, तो ये ऑब्वियसली बेड वगैरह में डाल चुका हूँ, मैट्रेस डाल चुका हूँ, और ये पुरानी स्टूडियो की अलमारी में चक्के यहाँ पर ले आया, लगा था कि वो घर वाले फेंक देंगे, मैंने यहाँ पर रख ली। तो यार सही है, ये भी एकदम मामला फिट आ रहा है यहाँ पर। और ये रहा कुछ फर्नीचर जो कि मेरे को ऊपर सेट कर रहा है। यार भैंस की बहुत ज्यादा हैवी है, लेकिन फर्नीचर चक्के चक्के एकदम मसल्स बन चुके हैं अपने। ये जाएगा यहाँ पर। और ये बहुत ना मेरे को ध्यान से व्लॉगिंग करने, मेरे को कुछ ज्यादा रिवील नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें हम हाउस टूर में दिखाएंगे ना। ठीक, अब यहाँ से मेरे को अपने हथियार निकालने हैं। ये रही गाइस अपनी महान गन, एंड यहाँ से इसको भी लोड करती है, अभी इसकी चीखें निकलेंगी। ओके, सबसे पहले खोलना मेरे को मैनुअल। इतना कॉम्प्लिकेटेड मैनुअल हो सकता है मेरे को पता भी नहीं था। देख रहे हो इसको बनाने के लिए हमें रूलर चाहिए। फैंसी कभी रूलर कभी मैंने मैथ्स के एग्जाम में यूज नहीं किया। ओ भाई साहब, असली रिवॉल्वर तो यहाँ पड़े हैं। अभी रुको गाइस, दो सेकंड दो, मैं पूरा फिट करके आपसे मिलता हूँ। तो ये रही गाइस अपनी अलमारी, तो ये यहाँ से खोलेंगे फटाक, एंड यहाँ से फटाक थरा, अंदर कुछ भी नहीं है। एंड धरा ब्रोस, ये रहा अपने अंदर वाला व्यूज। और आप सबके लिए एक चैलेंज है, आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना है अलमारी बंद होने से पहले। कम ऑन, ये वाली अलमारी जाएगी यहाँ पर बिल्कुल खिड़की के पास, एकदम मस्त लग रही है यार। अभी इसके बाद मेरे को एक और लंबी वाली लगानी है, एकदम लंबी यहाँ पर भैंस की, उसके ऊपर बहुत टाइम लगने वाला और बहुत ज्यादा हैवी है। नो जोक गाइस, एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ पक्का, एटलीस्ट 60 किलो का होगा ये। तो मेरे को दोनों हाथों से यहां से पकड़ना है और पैर से ऊपर कर रहा हूँ मैं यार। भाई भैंस की आंख, वो था पार्ट नंबर वन और ये है पार्ट नंबर टू। तो कसम से बंदा उठेगा नहीं, उठ जाएगा यार। अभी इसको फिक्स करना यार। ओ देख रहे हो, एकदम से स्प्रूस वुड है भाई, स्प्रूस वुड, ये देखो एकदम काली स्प्रूस वुड। ये मस्त लग रही है वहां पर, एब्सोल्युटली मस्त लग रही है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हमारी अलमारी एकदम से रेडी हो चुकी है। पर ये कुछ सामान है ये अभी मेरे को पूरे कमरे के अंदर डालना, तो एक अलमारी वहां पर और एक यहाँ पर। देखिए पार्सल भी है उसके ऊपर, देखिए भी है, एंड फाइनली अभी बची हमारे दो प्लास्टिक और पार्सल दिया यार। सबसे पहले आता है अपना पार्सल नंबर वन, इसके अंदर क्या है, तो ये है पिलो केस और ये है बेडशीट एंड कंबला केस। ये कुछ कुशंस हम ऐसे रखेंगे डेकोरेशन के तौर पर, मोस्टली चीजें सिर्फ डेकोरेशन के तौर पर ही लेके रखी गई है, उनका कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, मिठाई का डब्बा है क्या, और ये बेडशीट है, ये क्या है, मकड़ी का जाला। ओके, डेकोरेशन के लिए, तो ये सब कोई मतलब नहीं है इसका, ये सिर्फ हम ऐसे रखेंगे, कोई पर्पस नहीं है इसका। ये किस लिए है, ये टॉयलेट के लिए है। रुक मैं दिखाता हूँ, इधर आ, इसको दिखाता हूँ, इधर मैं इसको ऐसे करके टांग रहा था तो ये ऐसे जाएगा यहाँ पर इधर। तो गाइस अभी बहुत सारे डब्बे खोलने हैं, देख रहे हो अभी ये वाले डब्बे ही बाकी हैं, वो वाले डब्बे ही बाकी हैं, तो देखते हैं ये हैंग वाला साइकिल, मुझे ये चेक कर रहे हैं इस वाले के अंदर क्या है, ये हैवी वाला लग रहा है मेरे को, ये फैंसी वाले कंबो लगते हैं। और अभी ब्रो हमेशा की तरह एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रॉब्लम ये है कि हम रुक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए कि ये जो हम बेडशीट लेके आए ना, ये बेडशीट देख रहे हो ये है किधर गया, ये है अपने वो तहत किधर चला गया, हाँ ये रहा, तो ये है किंग साइज बेडशीट, और ये किंग साइज बेड नहीं है, ये है डबल बेड। और अभी मेरे को चेंज करवा के ये डबल साइज के लेके आनी है, और ऑब्वियसली बेडशीट नहीं होगी तो मैं इसके ऊपर डुवे नहीं डाल सकता, ऑब्वियसली डुवे नहीं होगा तो मैं अपने पिलो सेट नहीं कर सकता, और ऑब्वियसली अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो मैं सारी चीजें नहीं कर सकता। तो मतलब कि एक बेडशीट ने पूरा काम रोक के रखा हुआ है। नाइस ब्रोस, अभी आ चुका था डे नंबर टू,
टाइम की तरफ देखो तो बज रहे हैं सुबह के एग्जैक्टली 7:30। अगर मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊं तो भैंस क्या कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल की बारिश पड़ने वाली है यार। और बारिश तेज होने से पहले फिरोज मेरे को एक काम जो है करना है, क्योंकि बाद में यही काम मेरे को बहुत तंग करेगा, और वो है अपनी बाइकिंग। और आज हम बनाएंगे एकदम से खतरनाक बाइकिंग वाला व्लॉग भाई। सबसे पहले फोन को चिपकाना है यहाँ पर। चलो 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 ला 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 भाई, आज तो एकदम से फुल फुल मजा कर रहे हैं बाइकिंग का। चलो मैं फोन निकालता हूँ। और हमेशा की तरह रोज मेरी बाइक के अंदर एक प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि मेरे को सबसे पहले घर जाके फिक्स करनी है, बट एकदम फुल मजा। पीछे भी कोई नहीं है, हमारे इस तरफ भी कोई नहीं है। और इसी बताऊ थक गया हूँ यार। रोज मैं आपको ना अपनी बाइक की प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो बेसिकली गाइस, ये है अपने पीछे वाले गियर और ये है अपने आगे वाले गियर। तो ये देखो, ऐसे मैं चेंज करता हूँ यहाँ से और वहाँ से। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये रहा अपना आगे वाला गियर, ठीक है, ये वाला, ये अभी ये रहा गाइस अपना आगे वाला गियर। आप देख सकते हो कि ये वाला गियर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे फंसा हुआ है। तो अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश, भैंस की मच्छर देख रहे हो, तो अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो ये चेन उस तरफ नहीं टपरी। रुको, भैंस की आंख रोक के दिखाता हूँ। भैंस की कहीं ठुक गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ पर कोई एम्बुलेंस बुलाने वाला बंदा भी यहाँ पर नहीं है। ओके, तो बेसिकली ये वाला गियर जब मैं ऐसे ऐसे चेंज करता हूँ ना, तो इसको यहाँ से आना इस वाले पर, और वो आ ही नहीं रहा। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ये धागा जो है अंदर फंस चुका था। अगर मैं घर जाके इसको खींचूं तो एकदम से सेट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ये दिखाऊँ, अगर मैं इसको चेंज करूँ ना तो फिर से अंदर घुस जाएगा एंड फट्टा एक से, देखा, लूज हो गया। ब्रो सबसे पहले घर जाके इसको भी ठीक करना। और मैं यहाँ देख रहे हो भैंस की एकदम से लाल हो चुकी है, और ये है एलर्जी भाई। घर से बाहर निकले नहीं की भैंस की एलर्जी ने पकड़ लिया। लेकिन व्यू यहां का बहुत 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 ज्यादा मस्त है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे को एलर्जी किस चीज से है। गेस करो, मेरे को एलर्जी है प्लांट से। तो बेसिकली गाइस, थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे को पता लगा था कि यहाँ पर एक टाइप्स के प्लांट होते हैं, सिर्फ एक टाइप के। आई बिलीव ये वाले होंगे, ये देख रहे हो, ये कांटे वाले, ये नहीं, इसके पीछे वाले हो जाएंगे वो जंगली टाइप प्लांट। ये देखो कांटे वाले, ये इसकी बात कर रहा था मैं। तो ये चीज गर्मियों के अंदर एकदम आग की तरह फैल जाती है आसपास। जितने भी प्लांट्स आप यहाँ आसपास देख रहे हो ना, मोस्टली यही जंगली टाइप प्लांट है, और इससे एलर्जी है मेरे को यार। लेकिन तो कोई बात नहीं, ब्रोज मच्छर और एलर्जी को मारते हैं गोली। अभी मैं आपको पूरा टूर करवाता हूँ घर तक का। और लेफ्ट मोड़ते ही ब्रोज अपन आ जाएंगे एक और कंट्री साइड रोड के ऊपर। भैंस की ये वाला थोड़ा बहुत जो है रफ है, लेकिन जो तो कोई बात नहीं गाइस, मोस्टली रोड जो है ठीक है। तो बेसिकली ना गाइस, अपने बाइक के ना तीन रूट होते हैं। तो एक होता है अपना ये एक घंटे वाला रूट जो कि मेरे कंट्री साइड से लेकर बिल्कुल मेन रोड से तुरंत घर पहुंचा देगा, और इसको कंप्लीट करने में लगता है एक घंटा। दूसरा मेरा है ये वाला रूट, तो ये करीब लेता है 1.5 घंटा। तो ये बिल्कुल कंट्री साइड टोटली ग्रीनरी, एकदम मस्त सीन दिखाता है मेरे को। और इसके बाद आता है एक्स्ट्रा लॉन्ग, और उसको कंप्लीट करने में मेरे को लगता है करीब 2.5 घंटे। बहुत सीनिक रूट है यार वो। और मैं कभी कभी करता हूँ जो स्पेशली जब मौसम बहुत ज़्यादा सनी हो ना, तब मैं वो करता हूँ। ठीक है, सिर्फ ना लेफ्ट हैंड साइड ट्रेन ट्रैक्स है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा क्योंकि बीच में झाड़ियाँ आ चुकी हैं। अगर मैं फोन वगैरह निकालूंगा तो यार मसला बढ़ जाएगा, फिर से मेरे को बाइक रोकनी पड़ेगी और फिर से फोन वगैरह लगाना पड़ेगा। तो यार लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे जाके मैं लेफ्ट मुड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ ट्रेन ट्रैक्स। अभी यहाँ से मुड़ते हैं लेफ्ट, और ये देखो माइन करती काली बिल्ली भी यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ से भैंस के ट्रेन ट्रैक्स ऐसे नहीं देख रहे हैं बिल्कुल सामने। ये बड़ा पेड़ देख रहे हो ठीक इसके पीछे, मैं लकी खराब है, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस। ओके, अभी मेरे को ना यहाँ से वॉकिंग करना है। तो बेसिकली ये बहुत गंदी चढ़ाई है, और अगर यहाँ से बाइक लेकर गया ना तो भैंस की बिल्कुल बिल्कुल ऊपर ही पहुँच जाऊंगा मैं तो। और इस वाले माउंट से अपने बाइक राइडिंग की जो व्यू है एकदम मस्त हो जाएगा। और ओ माई गॉड, भैंस की हीरो ब्रांड लग रहा हूँ मैं, लिटरली हीरो ब्रांड लग रहा हूँ मैं पक्का 100%। अब बोतल गिर गई यार, क्या पंगे हैं इसके, देख रहे हो, मैं अपनी आंखें देख के इतना डर गया कि मेरे हाथ से साइकिल छूट गई। ओके गाइस, अभी नौ डंकी, अभी थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं, घर जाते हैं और अपनी दवाइयां वगैरह लेते हैं और अपने आप को सेटल डाउन करते हैं यार। एंड फाइनली ब्रोस, वी आर होम। क्या रंग आ रहा है चाय का यार। अभी चाय लेके चलना सीधा अपने गेमिंग रूम के अंदर, इसको करते हैं ऑन। ओ भाई मजे आ गए यार।